जहां कोरोना की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रुक गई थी, वहां गवर्नमेंट सामने आई और उन्होंने अपनी नई गाइडलाइंस को कर दिया रिलीज। अब बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो धीरे धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रैक पे आ चुकी है। और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी अपने ट्रैक पे धीरे धीरे वापस आ चुकी है। साल 2021 की शुरुआत में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी नई बॉलीवुड डायरेक्टरी को किया है लॉन्च, और इस लॉन्च पे पहुंचे थे गुरप्रीत खुगी, रंजीत पावा और हरभजन मान। सारी कार प्रेस इतों पता लगता भी आपके महकमे का अपने का बंदा गुना कोई गुस्ताखी वो माफ कर दिता। तुसी कोई नहीं बोलिया सपन उरा कलाकार की प्रेस लेट, बस ही पांच मिनट भी लेट हो जाते तो साडा की हाल करना सी। देखियो अज इंडस्ट्री जिहड़ी है किसी ने नोटिस नहीं किया, एक सिरे तो दूसरे सिरे तक तुहाडे सामने बैठी है। वो सिरा कित्थों शुरू हुंदा है? हरभजन उहनां दी पहली फिल्म आई सी की आया नूं। दूसरा सिरा की है कि अज फिल्म सिटी बन गई साडे इत्थे दे कमाल दी। वो एक फिल्म ने ऐसी जाग लाई सी अज किन्ने एकड़ च बणी है भाजी? इस लॉन्च पे हमारी मुलाकात हुई है इस डायरेक्टरी के फाउंडर और एडिटर सपन मनचंदा के साथ। क्या कहना है उनका, आइए दिखाते हैं हम आपको। बेसिकली मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, मैंने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है। गोवा में एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो हर साल होता है, तो मैं ये बात 2012 की है, वहाँ पे था, किसी दोस्त ने नंबर मांगा किसी पंजाबी एक्टर का, मेरे पास नहीं था, तो उसका क्वेश्चन था यार आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसी डायरेक्टर ही नहीं बनती जिसमें सभी का नंबर हो, वहाँ से ये आइडिया आया था। तो फर्स्ट जो हमारी डायरेक्टरी थी 2012 में आई थी, जिसको प्रेम चोपड़ा जी ने रिलीज़ किया था अमृतसर में, हमने तब रिलीज़ की थी, तब से लेके ये सफ़र बादस्तूर जारी है। तो ये था पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट, और अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।